आइए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे मुगल वंश के अगले उत्तराधिकारी अर्थात अगले शासक शाहजहां के। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का जन्म 1592 में आगरा में हुआ था। शाहजहां के बचपन नाम खुर्रम था। जहांगीर के कुल पांच पुत्र थे। जहांगीर के पांच पुत्र थे जो मुगल वंश के उत्तराधिकार के लिए दावेदार थे, खुर्रम, खुसरो, शहरयार, जहांदार और परवेज। खुसरो सबसे बड़ा पुत्र था जिसने जहांगीर के समय उत्तराधिकार के लिए विद्रोह कर दिया था। तो जहांगीर ने अपने बड़े पुत्र खुसरो खां को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था और उसकी आंखें निकलवा ली थी। आंखें निकलवाने के बाद खुसरो खां को मरवा दिया था। तो खुसरो खां का पुत्र हो जाता है जिसका नाम होता दावर बख्श। खुसरो खां का पुत्र होता है उसका नाम होता दावर बख्श। तो खुसरो खां की तरफ से खुसरो खां तो मारा जाता है, लेकिन खुसरो खां की तरफ से उत्तराधिकार के लिए जो दावेदार होता है वह होता है दावर बख्श। तो यहाँ शहरयार जो नूरजहां का दामाद होता है, नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ कराया था। तो नूरजहां शहरयार को अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, जबकि आसफ खां जो होता है वह अपने दामाद खुर्रम को अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया था। खुर्रम अपने पिता जहांगीर के समय ही शहजादा था। तो जब शहजादा एक बार दक्षिण भारत की विजय के लिए एक अभियान चलाने गया था, दक्षिण भारत की विजय के लिए जब अभियान चलाने गया था उस समय ये विजय प्राप्त करके आया था। तो जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी। उसके बाद शाहजहां ने कई उपाधियां प्राप्त करीं और कई उपाधियों को प्राप्त करने के बाद अपना एक नाम रखा। तो इसने अपना नाम रखा था शाहजहां ने अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण ए सानी के नाम से शाहजहां जाना गया था। तो शाहजहां के बचपन नाम खुर्रम था। दक्षिण भारत के विजय प्राप्त करने पर जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी थी और शाहजहां ने कई विजय प्राप्त करने के बाद स्वयं का नाम अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण ए सानी के नाम से जाना गया था। अगला उत्तराधिकारी बनता है खुर्रम अर्थात शाहजहां। शाहजहां ने अपने पिता के समय ही एक विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह में जहांगीर ने शाहजहां या खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए महावत खां को भेजा था। तो महावत खां ने इसके विद्रोह को दबा दिया था और बंदी बनाकर खुर्रम को जहांगीर के सामने पेश किया था। तो उस समय शाहजहां या खुर्रम ने अपनी माफ़ी मांगी थी और पुनः साम्राज्य में शामिल हो जाता है अर्थात जहांगीर के पक्ष में आ जाता है। माफ़ी मांगकर जहांगीर पक्ष में आ जाता है, लेकिन जहांगीर की मृत्यु के बाद जब कई दावेदार होते हैं तो उसी समय वहां के मंत्रियों और जनता के द्वारा 1627 में दावर ए बख्श या दावर बख्श को मुगल वंश का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, जो 1627 से 1628 के बीच रहता है। ये जो बीच में उत्तराधिकारी जो बनाया गया था, ये एक बलि का बकरा के नाम से जाना गया था। ये बीच में केवल इसलिए बनाया गया था कि इसके समय जितने दावेदार हैं उन सब का अंत किया जा सके। तो यहाँ पर आसफ खां आसफ खां ने दावर बख्श की सहायता से शाहजहां के कहने पर मुगल वंश के सभी उत्तराधिकार के दावेदार के लिए जो भी था उन सबका अंत कर दिया था। किनके सहयोग से? दावर बख्श के सहयोग से। और बाद में दावर बख्श की भी हत्या कर दी और 1628 में यहाँ पर शाहजहां शासक बनता है। तो शाहजहां को मुगल वंश की सत्ता हासिल करने में कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, उसे आसफ खां द्वारा रास्ता साफ कर दिया गया। तो यहाँ पर बीच में जो दावेदार मारे गए थे उन दावेदारों का मारे जाने में सहयोग दावर बख्श का था और बाद में दावर बख्श को भी मारा गया। तो कुछ इतिहासकारों ने इसे बलि का बकरा की संज्ञा दी। बीच में इसे बलि का बकरा बनाया गया था, लेकिन उत्तराधिकारी तो बनाना था खुर्रम अर्थात शाहजहां को ही बनाया गया था।
जब शाहजहां अगला शासक बन जाता है तो आसफ खां की सहायता से, तो शाहजहां आसफ खां को अपने दरबार में 7,000 जात एवं सवारों का वजीर नियुक्त करता है। जात एवं सवार सेना का एक पद हुआ करता था, सेना में जात और सवार एक पद हुआ करते थे। उनके ऊपर एक वजीर नियुक्त किया था, आसफ खां को वजीर नियुक्त किया था। शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था। तो शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज की उपाधि दी एवं इसे मल्लिका ए जवानी भी कहा। अर्जुमंद बानो बेगम इसका हकीकत में नाम था। शाहजहां के शासक बनने के बाद इसे तुरंत कई विद्रोह का सामना करना पड़ा। 1628 में ये शाहजहां शासक बना था। 1629 में इसे तुरंत बुंदेलखंड का विद्रोह देखना पड़ा था, तो बुंदेलखंड का विद्रोह इसने दबाया। 1629 में बुंदेलखंड का इसने विद्रोह दबाया और अगला सिक्कों का विद्रोह हुआ था। बताया जाता है कि शाहजहां जब शिकार करने के लिए गया था तो इसका एक बाज उड़कर सिखों के क्षेत्र में चला जाता है, तो सिख लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिसे वापस नहीं करते हैं तो संघर्ष होता है। अर्थात सिखों का और शाहजहां के बीच में छोटे मोटे छुटपुट संघर्ष होते रहे काफ़ी दिनों तक। बताया जाता है शाहजहां के दरबार से 2 घोड़े चोरी हुए थे। उन 2 घोड़ों को एक बार हरगोविंद को सौंप दिया गया था। सिखों के गुरु थे हरगोविंद, उन्हें सौंप दिए गए थे, तो उन्होंने वो घोड़े स्वीकार कर लिए थे। ये जानकारी जब शाहजहां को पता चलती है तो फिर संघर्ष होता है। तो सिखों का भी संघर्ष रहा शाहजहां के समय, तो शाहजहां के समय सिखों के गुरु थे हरगोविंद, वह मारे गए थे। शाहजहां के समय सिखों के गुरु हरगोविंद मारे गए थे, तब सिखों से इनका विद्रोह समाप्त हुआ था या संघर्ष समाप्त हुआ था। शाहजहां के समय ईरानियों का भी संघर्ष रहा था। जब शाहजहां का शासनकाल था उस समय कंधार में ईरानियों का शासन था, तो कुछ कंधार पर मुगल वंश का भी शासन था, कुछ का ईरानियों पर था। तो शाहजहां के हाथ से कंधार क्षेत्र बिल्कुल के लिए ईरानियों के हाथ में चला गया था। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है किस मुगल शासक के हाथ से कंधार मुगल साम्राज्य से हमेशा के लिए चला गया था, तो वह चला गया था शाहजहां के काल में। ईरानियों ने कंधार को भी जीत लिया था। तो शाहजहां के समय कंधार भी हाथ से निकल गया। शाहजहां ने दिल्ली के निकट एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा से इसने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद अर्थात दिल्ली के लिए परिवर्तित की। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, मयूर सिंहासन और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, मयूर सिंहासन एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली का जो नया किला है वर्तमान में, जिस पर तिरंगा लहराया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, वह किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और दिल्ली का जो पुराना किला है वह किला हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली के पुराने किले की जो मरम्मत कराई थी वह शेरशाह सूरी ने कराई थी। हुमायूं द्वारा बनवाया गया था, शेरशाह सूरी ने उसकी मरम्मत कराई थी पुराने किले की। दिल्ली का नया किला बनवाया था वह शाहजहां ने बनवाया था, और आगरा का जो लाल किला बनवाया था वह अकबर ने बनवाया था। अच्छा, जब दिल्ली का लाल किला बनवाया था तो उस लाल किले के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण कराया था। अच्छा, इन्हीं नाम से इमारतों का निर्माण कभी अकबर ने भी कराया था, लेकिन वो कराया था फतेहपुर सीकरी में, जबकि शाहजहां ने इन इमारतों का निर्माण जो कराया था वह कराया था दिल्ली के लाल किले में। नगीना मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और इन इमारतों का निर्माण कराया था दिल्ली के लाल किले में, ये शाहजहां ने कराया। शाहजहां ने जब मयूर सिंहासन बनवाया था उसमें विश्व कीमती हीरा कोहिनूर हीरा जड़वाया था। ये कोहिनूर हीरा शाहजहां को एक गोलकुंडा के व्यापारी मीर जुमला ने दान में दिया था। शाहजहां के अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज से कुल 14 संतानें उत्पन्न हुई थी। 14 संतानों में से 7 संतान जीवित रही थी।
चार पुत्र और तीन पुत्रियां जीवित रही थी। तीन पुत्रियां थी, उसमें सबसे बड़ी पुत्री थी जहान आरा, दूसरी थी रोशन आरा और तीसरी थी गोहन आरा। ये सबसे अंतिम पुत्री थी जहान आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। और चार पुत्र पैदा हुए थे उसमें दारा सिको, मुरादबख्श, शाह शुजा और औरंगजेब। दारा सिको, मुरादबख्श, शाह शुजा और औरंगजेब। तो शाहजहाँ के चार पुत्र थे और तीन पुत्रियां थीं। सबसे बड़ी पुत्री जहान आरा थी, उसका शाहजहाँ के शासनकाल में काफ़ी हस्तक्षेप रहा था। शाहजहाँ ने आगरा के लाल किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया था, उसका नाम था मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, उसमें इनकी बड़ी पुत्री जहान आरा की देखरेख में हुआ था। मोती मस्जिद निर्माण जहान आरा की देखरेख में हुआ था। शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था, दारा सिकोवा। शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था दारा सिकोवा। दारा सिकोवा काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था, या पढ़ा लिखा राजकुमार था। दारा सिकोवा ने उपनिषदों का और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अतः दारा सिकोह को शाह बुलंद ए इकबाल की उपाधि दी गई थी। दारा सिकोह ने उपनिषदों और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया, तो दारा सिकोह को शाह बुलंद ए इकबाल की उपाधि दी गई। दारा सिकोह एक सहिष्णु राजकुमार था, अर्थात धर्मनिरपेक्ष सहिष्णु राजकुमार था। तो लैनपुल नामक इतिहासकार ने दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा था। और लैनपुल ने ही मुगल काल को द्वितीय क्लासिक युग कहा था। इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा गया था, जबकि इतिहास का क्लासिक युग गुप्त काल को कहा गया था। या इतिहास का स्वर्ण काल प्रथम जो था वह गुप्त काल का था, और द्वितीय क्लासिक युग मुगल काल को कहा गया था। लैनपुल ने जब 1631 में प्रसूत के दौरान, अर्थात डिलीवरी प्रसूत के दौरान जब मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है, तो अगले वर्ष 1632 में ये मुमताज़ की याद में एक इमारत का निर्माण कराता है, जो ताजमहल के नाम से जानी जाती है। ताजमहल 1632 में बनना प्रारंभ हुआ था और 1654 में पूर्ण हुआ था। 1632 में बनना प्रारंभ हुआ था और 1654 में पूर्ण हुआ था, अर्थात 22 साल में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद ईसा खां और एक मिस्त्री थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल जो बना था वह भारतीय और ईरानी पद्धति की मिश्रित शैली से बना था। ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण जब उस्ताद ईसा खां ने कराया था, तो शाहजहाँ ने उस्ताद ईसा खां को एक बड़े से पद पर नियुक्त किया और एक आगरा के लाल किले में एक उस्ताद ईसा खां महल का भी उसके नाम से एक निर्माण कराया था। ये एक मिथ्या है जो बताया जाता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल के निर्माणकर्ताओं के हाथ काट लिए थे। शाहजहाँ के समय संगमरमर की काफ़ी इमारतें बनी थीं, इसलिए शाहजहाँ को निर्माताओं का राजकुमार भी कहा गया और शाहजहाँ के काल को संगमरमर का काल भी कहा गया। और शाहजहाँ के काल में काफ़ी इमारतें बने जाने के कारण शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा गया। क्या शाहजहाँ को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया। इसके समय संगमरमर की बेहतर इमारत बनी थी, इसलिए इसके समय को संगमरमर का काल भी कहा गया। और इसके समय में काफ़ी इमारतें बनी थीं, इसलिए इसके काल को स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा गया शाहजहाँ के काल को। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का जब निर्माण कराया था, उसमें मयूर सिंहासन का जो डिजाइनर था वह था बे बादल खां था। शाहजहाँ जब 1658 में बीमार पड़ जाता है तो इसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ जाता है।
तो ये तीन युद्ध होते हैं, तीन युद्ध होते हैं जिसमें इसका बड़ा पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच तीन संघर्ष हुए थे। जो एक था, एक संघर्ष था समूहगढ़ का संघर्ष, ये भी 1658 में ही हुआ था। फिर 1658 में ही हुआ था धर्मट, ये उज्जैन के निकट पड़ता है, ये भी 1658 हुआ था। और एक हुआ था देवराई का। ये तीनों जो संघर्ष हुए थे वह ये भी 1658 हुआ था। तो जब शाहजहाँ बीमार पड़ जाता है तो इसके उत्तराधिकार के लिए पुत्रों में संघर्ष होते हैं, जिसमें तीन संघर्ष चर्चित हुए थे वह हुए थे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच तीनों में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुए थे, जिसमें औरंगजेब ने तीनों बार दारा शिकोह को पराजित किया था और अगला शासक बाद में औरंगजेब बन जाता है। तीनों में इसमें पराजित किया था। औरंगजेब जब शासक बन गया था तो उसने 1658 में शाहजहाँ को बंदी बनाकर और आगरा के लाल किले में नज़रबंद कर दिया। शाहजहाँ आगरा के लाल किले में 8 वर्ष तक नज़रबंद रहे और 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। शाहजहाँ 8 वर्ष के लिए आगरा लाल किले में नज़रबंद रहे 8 वर्ष के लिए और 1658 से 8 वर्ष बाद 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। तो इन्हें फिर ताजमहल में ही इन्हें अर्जुमंद बानो बेगम के पास दफनाया गया था। शाहजहाँ ने दिल्ली में जो लाल किला का निर्माण कराया था, इसके दो दरवाजे चर्चित रहा करते थे, जो खुला करते थे। एक था पश्चिमी दरवाज़ा, इसका नाम था लाहौरी दरवाज़ा। दिल्ली के लाल किले को चतुर्भुज आकार में बनाया गया था। इसका एक पश्चिमी दरवाज़ा था जिसका नाम लाहौरी दरवाज़ा रखा गया था और एक दक्षिणी दरवाज़ा था जिसका नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया था। तो दिल्ली के लाल किले के दो दरवाजे प्रमुख थे जिनके नाम अलग अलग रखे गए थे। शाहजहाँ ने बलबन के द्वारा प्रारंभ करी गई थी एक पद्धति थी सिजदा एवं पाबोस। तो शाहजहाँ ने सिजदा एवं पाबोस के नीति को बंद किया था। शाहजहाँ ने कहा था जो सिजदा की जो नीति है ये केवल खुदा अर्थात अल्लाह के लिए ही बनाई गई है, ये केवल अल्लाह के लिए सर्वोपर मानी गई थी। तो इसने सिजदा एवं पाबोस की जगह पर एक नीति का प्रारंभ किया था, सेम उसी प्रकार की थी, उसका नाम था चहार तस्लीम। तो शाहजहाँ द्वारा सिजदा एवं पाबोस के स्थान पर चहार तस्लीम नीति का प्रारंभ किया गया था। पुत्रों में जब धर्मट का युद्ध हुआ था उस समय जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। लेकिन दारा शिकोह साथ देने के बाद भी औरंगजेब से पराजित हो गया था। शाहजहाँ ने दक्षिण भारत में 1629 में जब संघर्ष किया था उस संघर्ष में इसने विजय प्राप्त करी थी और विजय के साथ ही इसने अहमदनगर को जीता था। शाहजहाँ ने 1626 में गोलकुंडा तथा बीजापुर को जीता था। 1636 में शाहजहाँ ने गोलकुंडा एवं बीजापुर पर विजय प्राप्त करी थी।